समर वेकेशन में हम क्लास 10 के बच्चों को एक्जेक्टली करना क्या चाहिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि घर वालों को और कोचिंग वालों को यह कहना है कि ज्यादा से ज्यादा समय हमें पढ़ने में इन्वेस्ट करना चाहिए और हमें पर्सनली ज्यादा से ज्यादा समय खाने पीने मस्ती मजाक और सोने में बिताना है। बट अगर आप मुझे पूछोगे तो मुझे लगता है कि आप इन दोनों फॉर्मेट्स को कंबाइन करके फॉलो करो, यानी कि दिन में थोड़ा सा समय पढ़ने में इन्वेस्ट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा समय खाने पीने मस्ती मजाक में इन्वेस्ट कर देंगे। वो कैसे इस वीडियो में पता चलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडिगोता में आप सबका स्वागत करता हूं। क्लास 10 के बच्चे गर्मियों की छुट्टी आने के बाद सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में आता है कि इन छुट्टियों में इन हॉलीडेज में एग्जैक्टली हमें करना क्या है। कुछ जो टॉपर बच्चे होते हैं ना आपकी क्लास में, उनका यह कहना होता है कि ये गर्मी की छुट्टी में हम लोग बैठ के पूरा सिलेबस खत्म कर सकते हैं, फुल सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, उनका कहना है। कुछ बच्चों का कहना होगा कि पूरा तो नहीं हो पाएगा, तो हम लोग हाफ सिलेबस जो है वो खत्म कर लेंगे। ठीक है, पूरा दिन बैठेंगे, हाफ सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, टेंशन खत्म। कुछ बच्चों का ये कहना है कि देख, साल भर में 10th की पढ़ाई करनी करनी है, ये गर्मी की छुट्टी हम लोग पढ़ाई नहीं करेंगे, इन गर्मी की छुट्टी में हम लोग बस एंजॉय करेंगे, बाकी कुछ नहीं करना है। तो एग्जैक्टली करना क्या है, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। ना ही हमें यहाँ पे पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, ना ही हमें यहाँ पे पूरा मतलब हाफ सिलेबस कंप्लीट करना है, और ना ही हमें पूरा समय जितना मिल रहा है वो एंजॉयमेंट में डालना है। एग्जैक्टली करना क्या है, अभी मैं आपको बताता हूँ। क्लास 10 के बच्चे, ये जो छुट्टियाँ आपको मिल रही है, इन छुट्टियों को ज़्यादा से ज़्यादा सही उपयोग आपको करना है। कुछ पार्ट ऑफ द हॉलीडेज आपको सेल्फ स्टडी करने में इन्वेस्ट करना है, एंड मैक्सिमम पार्ट ऑफ द हॉलीडेज जो है आपको एंजॉय करने में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, क्योंकि ये छुट्टियों के बाद भी आपको पढ़ना ही होता है, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एंजॉय करेंगे और कुछ अमाउंट हम लोग जो है वो सेल्फ स्टडी करने के लिए करेंगे। और प्रॉपर सेल्फ स्टडी, हाँ, बस नाम के लिए सेल्फ स्टडी नहीं, बुक लेके बैठे और दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा, नहीं, प्रॉपर सेल्फ स्टडी के लिए हम लोग कुछ समय इन्वेस्ट करेंगे और कुछ समय जो है मतलब मैक्सिमम पार्ट जो है वो एंजॉयमेंट के लिए इन्वेस्ट करेंगे। अब अगला क्वेश्चन जो आपके मन में आएगा, दैट इज ये कुछ समय कितना होगा और ये मैक्सिमम पार्ट कितना होगा। देखो, 24 घंटे हमें मिलते हैं, ठीक है, 24 आवर्स हमें मिलते हैं। इन 24 आवर्स में अकॉर्डिंग टू मी 2 से 3 घंटा दिन का भी आप इस सेल्फ स्टडी के लिए निकाल लेते हो और बचा हुआ जितना भी पार्ट है उसमें आप एंजॉय करो, खाओ पियो सो, कहाँ पे घूमने जाना है जो करना करो, बट 2 से 3 घंटा जो है आपको पढ़ने के लिए इन्वेस्ट करना ही करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि हमारा पढ़ने का समय जो रहेगा दैट विल बी 2 to 3 आवर्स पर डे। हर दिन का 2 से 3 घंटा हमें सेल्फ स्टडी करने के लिए इन्वेस्ट करना है और बचा हुआ जितना भी टाइम है एंजॉयमेंट के लिए हम लोग रिमेनिंग टाइम जो है वो लिख लेंगे। ठीक है, अब ये चीज़ फॉलो करने के लिए भी 2 केस ऑफ सिनेरियोज आते हैं मेरे पास। 2 केस ऑफ सिनेरियोज कैसे, फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा 2 से 3 घंटे आपको हर दिन का पढ़ना है। अगर आप 3 घंटे भी पकड़ लेते हो, 3 घंटे हर दिन का भी पकड़ लेते हो, तो ये 3 घंटे आप 2 स्लॉट्स में कर सकते हो, सुबह 1.5 घंटा और शाम को 1.5 घंटा। ठीक है, जैसे कि सुबह 8 घंटे मतलब सुबह 8 बजे या फिर 9 बजे आप 1.5 घंटे का एक सेल्फ स्टडी रख सकते हो और शाम को 6-7 बजे जो है वो आप 1.5 घंटे का सेल्फ स्टडी का स्लॉट रख सकते हो। या फिर इसका एक सेकंड ऑप्शन और जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा अकॉर्डिंग टू मी, दैट विल बी सुबह आप उठते हो, उठने के बाद फ्रेश होते हो, फ्रेश होने के बाद ब्रेकफास्ट करते हो, ब्रेकफास्ट करने के बाद तुरंत 9 बजे अगर पढ़ाई करने के लिए बैठते हो और सुबह 9 से 12 PM मतलब 3 घंटे सुबह के डायरेक्ट 3 आवर्स अगर आप इन्वेस्ट करते हो सुबह के मॉर्निंग का, तो ये 12 बजे के बाद आप क्या चीज कर रहे हो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। सुबह का 3 घंटे एक बार पढ़ाई कर लिया, दिन भर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा बाकी के एक्टिविटीज करने के लिए। इज दैट क्लियर फॉर यू। तो ये 2 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है जिसमें से मुझे लगता है कि ये ऑप्शन हम लोग चूज करेंगे। दूसरी चीज, अब आपने ये तो बता दिया कि 9 से 12 पढ़ना है, 3 घंटे हर रोज सुबह पढ़ना है, ठीक है, बट पढ़ना क्या है एग्जैक्टली वो भी तो बता दीजिए। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, एक छोटा सा टाइमलाइन वाला पार्ट आया था जिसमें मैंने बताया था क्लास 10 का पूरा प्रिपरेशन 2 स्टेजेस में होगा, जिसमें से फर्स्ट स्टेज में जहाँ पे हम लोग मई से लेके नवंबर तक फर्स्ट स्टेज रहेगा, इसमें हम लोग मैथ्स साइंस और लैंग्वेजेस का कुछ पार्ट पढ़ने वाले हैं, बताया था मैंने। तो यहाँ पर भी हम लोग वेकेशंस में मैथ्स साइंस और लैंग्वेजेस का कुछ पार्ट ही कवर करने वाले हैं। इज दैट क्लियर फॉर यू। कैसे कवर करेंगे आगे मैं आपको बताता हूँ। अब मैथ्स साइंस और लैंग्वेजेस का कौन सा पार्ट आपको कवर करना है, इस चीज़ को जानने से पहले 3 चीज़ आपको जानना बहुत जरूरी है, 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स इन छुट्टियों में जो आप सेल्फ स्टडी करोगे उसके लिए। सबसे पहले चीज़ इज कम्फर्ट जोन में नहीं आना है। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय दिस कम्फर्ट जोन में नहीं आना है, हमें मस्ती मजाक नहीं करना है, हमें एंजॉयमेंट नहीं करना है क्या, नहीं, वो चीज़ नहीं है। कम्फर्ट जोन में नहीं आना है यानी कि आपको हर रोज कंसिस्टेंटली पढ़ना है। यानी कि कंफर्ट जोन में आना क्या होता है,
कि आज आपने डिसाइड किया कि आज मैं नहीं पढ़ूंगा, आज का 3 घंटा कल का 3 घंटा 6 घंटे कल पढ़ लूंगा, फिर परसों आप डिसाइड करोगे कि 2 घंटे मतलब 2 दिन में नहीं पढ़ूंगा, और 2 दिन का जो 3-3 घंटा है 6 घंटा, और परसों का 3 घंटा जो 9 घंटा, तो 1 दिन बैठ के पूरे 9 घंटे पढ़ूंगा। ये चीज आपको वेकेशन में बिल्कुल भी करनी नहीं है, ना ही ये पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है भी तो आपको ये चीज फॉलो नहीं करनी है, आपको इतना भी कंफर्ट जोन में नहीं आना। आपके पास एंजॉय करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम है, सुबह का जो अपने 9 से 12 का टाइम डिसाइड किया है, तो 9 से 12 आपको पढ़ना ही है, वो भी हर रोज पढ़ना है, ठीक है। दूसरी चीज, क्वालिटी पढ़ने पे फोकस करेंगे, क्वांटिटी पे नहीं, ठीक है। व्हाट डू वी मीन बाय दिस, अभी देखो, गर्मियों की छुट्टियों में हम लोग इतने टॉपिक्स कवर करेंगे, हम लोग इतने चैप्टर्स कवर करेंगे, हम लोग इतने सब्जेक्ट्स का सिलेबस खत्म करेंगे, ये चीज हमें नहीं करनी है, ठीक है। अगर हम लोग 10 से 15 टॉपिक भी कंप्लीट कर रहे हैं, तो हर एक टॉपिक को इतने बढ़िए तरीके से कंप्लीट करेंगे कि अगले 2-3 महीने में भी अगर इन टॉपिक्स के बेसिस पे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम परफेक्टली इजिली और बढ़िए तरीके से आंसर जो है वो दे पाए। इस फॉर्मेट में आपको पढ़ना है, ये होगी पहली चीज। दूसरी चीज, क्वालिटी पढ़ने में जो आपको रटने की आदत लग चुकी है ना, लर्न करने की आदत जब लग चुकी है ना, मगअप करने की आदत लग चुकी है ना, किसी सिचुएशन में किसी ने आपको सजेस्ट किया होगा कि ये चीज लर्न कर ले, ये चीज मगअप कर ले, इस चीज को रट ले, तो वो जो रटने की आदत, लर्न करने की आदत है ना, हमको यहां पे जो है वो अवॉइड करनी है, बंद करनी है, ठीक है। यहां पे हम लोग को लर्न करने की हैबिट जो है उसको बंद करना है, ठीक है। इन छुट्टियों में ये करना है, इन छुट्टियों में हमें ये करना है। तीसरा चीज इस, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहेंगे। नाउ व्हाट डू मीन बाय डिस्ट्रैक्शन से दूर रहेंगे, ये जो पढ़ने का आपने यहाँ पे स्लॉट डिसाइड किया था ना, 9 to 12, 3 घंटे हम लोग पढ़ेंगे, ये 3 घंटे पढ़ते समय पूरे फोकस के साथ आपको पढ़ना है। ये जो 3 घंटे आप पढ़ोगे ना 9 to 12 वाला, इन 3 घंटों में आपका पूरा फोकस उसमें रहना चाहिए। ये नहीं कि फॉर एग्जांपल एक दिन आपका शाम में कहीं आप डिनर में जा रहे हो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, तो पढ़ते समय आपके दिमाग में वो नहीं रहना चाहिए कि कहाँ पे मैं डिनर में जाऊँगा, कौन कौन आएगा, क्या मैं चीज़ ऑर्डर करूँगा, कैसे मैं खाऊंगा, वो सारी चीज़ें पढ़ते समय नहीं रहना चाहिए। क्योंकि अगर वो सारी चीज़ें आती है दिमाग में, तो पूरा फोकस लगा कि आप पढ़ नहीं पाओगे, और वो पढ़ना आपका वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा। इसलिए डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है जब आप पढ़ाई करने के लिए बैठ रहे हो, और उससे पहले का समय। फॉर एग्जाम्पल सुबह अगर आप 9 से 12 बैठ रहे हो, तो सुबह जितने भी बजे आप उठो, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 8:30 बजे, उठने के बाद फ्रेश होना है, फ्रेश होने के बाद ब्रेकफास्ट करना है, ब्रेकफास्ट करने के बाद तुरंत पढ़ाई के लिए बैठना है। बीच में कोई स्मार्टफोन नहीं लेना है, कोई लैपटॉप नहीं, कोई यूट्यूब का वीडियो नहीं, कोई इंस्टाग्राम नहीं, कोई व्हाट्सअप नहीं, किसी भी प्रकार का फोन कॉल उठाना नहीं है, ना ही किसी को कॉल करना है, सीधा पढ़ाई को बैठना है 9 to 12, फ्रेश माइंड से पूरा फोकस अपना देके पढ़ना है, और उसके बाद 12 बजे के बाद आपको जो करना है वो आप कर सकते हो। इज दैट क्लियर फॉर यू? दिस इज व्हाट आई मीन बाय डिस्ट्रैक्शन से दूर रहेंगे। अब हम लोग चैप्टर से फिर टॉपिक्स के प्लानिंग पे अगर आए, तो सबसे पहले मैथमेटिक्स की बात करेंगे। तो मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स पार्ट 1 में 3 चैप्टर्स मैंने सिलेक्ट किए जो कि आपको इन वेकेशन में कंप्लीट करने हैं। 3 चैप्टर्स विल बी लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स। ये 3 ऐसे चैप्टर्स है जो कोई भी स्टूडेंट जो है वो आसानी से पढ़ सकता है, कंप्लीट कर सकता है, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है। और सबसे पहला जो चैप्टर है, ये मोस्टली सारे स्कूल्स में सिखा के हो गया होगा, पढ़ा के हो चुका होगा, फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा के हो चुका होगा, तो ज़्यादा दिक्कत आपको इन 3 चैप्टर्स में आने नहीं वाली। दिक्कत आती भी है तो कोई एक बुक या फिर यूट्यूब वीडियो के थ्रू आप वो दिक्कत को जो है वो क्लेरिफाई कर सकते हो। उसके बाद सिमिलरली मैथमेटिक्स 2 में 2 चैप्टर्स कंसिडर किए, पाइथागोरस थ्योरम और ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, जो कि बहुत ही आसान है, जो कि खुद आप पढ़ते हो, सॉल्व करते हो, तब भी आपसे हो जाएगा। छोटे मोटे डाउट्स आते हैं तो यूट्यूब पर आप देख सकते हो, या फिर आपके सीनियर्स अगर आसपास में रहते तो आप उनको पूछ जरूर सकते हो। अब यहाँ पे इन चैप्टर्स को एग्जैक्टली किस फॉर्मेट में पढ़ना है, ये भी आपके मन में क्वेश्चन आएगा, तो ये क्वेश्चन का आंसर एक अगला वीडियो आने वाला है, इसके बाद वाला वीडियो, उसमें बहुत बढ़िया तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट पर्टिकुलर वीडियो। और सिमिलरली अगर हम लोग साइंस की बात करें, तो साइंस 1 में 3 चैप्टर्स पकड़े हैं, ग्रेविटेशन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और स्पेस मिशन, जो कि सिमिलर वे में आसान चैप्टर्स है, आसानी से समझ में आए ऐसे वाले चैप्टर से एक बार आप पढ़ लेते हो, एक वीडियो लेक्चर देख भी लेते हो, तो भी आपको इजीली दिमाग में बैठने वाले चैप्टर से। और साइंस 2 में एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, सोशल हेल्थ, डिजास्टर मैनेजमेंट टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, ये सारे मोस्टली थ्योरेटिकल चैप्टर्स है और बेसिक साइंस वाले चैप्टर्स है, एनवायरमेंटल साइंस वाले चैप्टर्स है, तो ये इजीली समझ में आ जाएंगे, इजीली दिमाग में बैठ जाएंगे। अगेन एक दो वीडियो लेक्चर देख लेते हो, 2 बार टेक्स्ट बुक को पढ़ लेते हो, तब भी हो जाएगा। अगेन इसमें भी इन चैप्टर्स को या फिर ये साइंस को पूरे थ्रू आउट द ईयर किस फॉर्मेट में
पढ़ना है इसके लिए भी एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो आने वाला है, उसके लिए भी जरूर वेट करना। और लास्ट में मैं जो आपको बता रहा था लैंग्वेजेस का एक पार्ट हम लोग कवर करेंगे, तो इन समर वेकेशन में हम लोग कुछ ग्रामर के टॉपिक्स को कंप्लीट करने वाले हैं। कौन से टॉपिक्स रहेंगे अभी हम लोग जानते हैं। मराठी में वाक्य प्रकार, वाक्य प्रचार, विराम चिन्ह, बस तीन टॉपिक, तीन इजी टॉपिक्स। इन टॉपिक्स को आप गूगल में, मतलब गूगल करो, कोई एक आर्टिकल से पढ़ो, या फिर कोई अदर बुक आपके पास अवेलेबल है उससे पढ़ो, या फिर यूट्यूब वीडियो से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो। इन टॉपिक्स को आपको समझना है और कुछ अमाउंट में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ताकि ये टॉपिक आपके दिमाग में बैठ जाए। हिंदी ग्रामर की बात करें तो शब्द भेद, अव्यय, सहायक और प्रेरणार्थक क्रिया, और उसके बाद विराम चिन्ह, ये टॉपिक्स है। सारे इजी टॉपिक्स है, ऐसे टॉपिक्स मैंने चुन के दिए हैं जो कम टाइम कंज्यूम करे और आपका कंप्लीट हो सके इन समर वेकेशंस में। इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस, kinds of sentences, active passive voice, connectors, clauses, direct and indirect speech, ये topics को मैंने select किया है, तो इन topics को जो है वो आप पढ़ सकते हो, complete कर सकते हो अपने summer vacations में। Now again, जितने भी topics मैंने आपको बताया, जितने भी chapters मैंने बताया, सारे के सारे topics या फिर सारे के सारे chapters इन गर्मियों की छुट्टियों में complete हो जाने चाहिए, ऐसा किसी भी प्रकार का compulsion मैं नहीं डालूंगा। जितने ज्यादा topics, जितने ज्यादा chapter आप complete कर सकते हो, that will be better for you। Quality wise पढ़ना है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको इन सारे chapters को, topics को complete करना है। फॉर टुडेज वीडियो, बाकी आप गर्मी को छुट्टी में क्या करोगे नीचे कमेंट डाउन जरूर करना, और वीडियो में कुछ अच्छा लगता है या फिर कोई सजेशन है, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और साथ ही साथ जाते समय एक लाइक जरूर कर।